नर्मदे हर दोस्तों, तो क्या आप भी उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा पे जाने के बारे में सोच रहे हो? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपको इस परिक्रमा को शुरू करने से पहले होनी चाहिए। जैसे कि ये परिक्रमा कहाँ से शुरू होती है और ये परिक्रमा के लिए आपकी रहने की व्यवस्था कहाँ पर होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कैसी है, और इस परिक्रमा को पूरा करने में कितना समय लगता है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के दौरान दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम हम लोग उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हैं। तो नर्मदा परिक्रमा की जानकारी तो मैं आपको भी गाड़ी में दूंगा, क्योंकि अभी हम पैकिंग करके गाड़ी में जा रहे हैं। लेकिन घर में मैं आपको इसके लिए मिल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जब भी हम नर्मदा परिक्रमा के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें कन्या पूजन करना होता है, और जिसके लिए या तो हमें एक कन्या या पांच कन्या या नौ कन्याओं को इनवाइट करना होता है, और जिस किसी लड़की को हम इनवाइट करते हैं उनको हमें गिफ्ट भी देना होता है। तो गिफ्ट का जो प्रिपरेशन है वो भी हम कर रहे थे, तो उसी की जानकारी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमने इस तरह से लड़कियों के लिए हमने ये गिफ्ट्स खरीदी है, जिसको हम इस तरह से वाटर बॉटल में पैक करेंगे ताकि वाटर बॉटल भी उन्हें काम आ जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे उनके लिए हमने कुछ लड़कियों के लिए जो हेयर बैंड्स होते हैं, क्लिप्स होती है, फिर स्कूल में यूज़ करने के लिए रबर बैंड, शार्पनर, बॉल पेन, पेंसिल, और साथ ही साथ कुछ चॉकलेट्स भी ले ली है। तो ऐसी कुछ चीज़ें देनी चाहिए जो लड़कियों को काम आ जाए। तो अभी हम अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं, और आप हमारे साथ इस परिक्रमा पर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस परिक्रमा से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, अभी गाड़ी में मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, हम आ गए अपनी कार में और हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, और अभी हम जा रहे हैं तिलकवाड़ा की ओर, जो कि इस परिक्रमा का स्टार्ट पॉइंट माना जाता है। तिलकवाड़ा आपको अगर आना है तो आप वडोदरा से डभोई होके आ सकते हो, या तो आप अंकलेश्वर से झगड़िया होके भी आ सकते हो। यहाँ पे आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस भी मिल जाएगी, और चाहो तो आप यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हो। और तिलकवाड़ा में आपको वासुदेव कुटीर आश्रम है, वहाँ पर आपको आना होता है, और वहीं पर आपकी रहने की व्यवस्था होती है। तो उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे QR कोड में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हो। और ये जो परिक्रमा है ये चैत्र महीने में होती है, जो करीबन मार्च और अप्रैल के बीच में आता है, और उसी दौरान ये परिक्रमा की जाती है। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं यहाँ से तिलकवाड़ा, और जो भी कुछ अपडेट होगा मैं आपको रास्ते में बताते चाहूँगा। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में इस वीडियो पर। एक और बात दोस्तों, जब मैं ये परिक्रमा प्लान कर रहा था तो मुझे इसमें काफ़ी सारे डाउट्स थे, और उसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस परिक्रमा के बाद मैंने ये एक मैप तैयार किया हुआ है, जो अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यह जो मैप है इसमें आपको परिक्रमा से संबंधित सारी डिटेल्स मिल जाएगी, और यदि आप चाहो तो इस मैप का PDF वर्जन डाउनलोड करके अपने साथ में प्रिंटआउट के तौर पर रख सकते हो, और इस मैप को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर भी कर सकते हो जो ये परिक्रमा पर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो उनको भी आगे जाके कोई परेशानी ना हो। हेलो दोस्तों, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि अभी हम तिलकवाड़ा से करीबन 30 किलोमीटर दूर है, और अभी शाम के 6:16 हुए हैं। अभी हमारा एक्सपेक्टेड था कि हम लोग करीबन 6:30 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम लग गया है। अभी किस वजह से लगा है पता नहीं है, पूरा टोटली ब्लॉक है। आप देख सकते हो बाइक वाले भी रुके हुए हैं। तो एक्चुअली हमें अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना था, तो चलिए देखते हैं ये ट्रैफिक कभी क्लियर होता है और हम तिलकवाड़ा कभी पहुंचते हैं। तो जैसे ही तिलकवाड़ा आएगा मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो दोस्तों, लकीली ट्रैफिक कुछ ही देर में क्लियर हो गया था। दरअसल वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग था और वहाँ पे ब्रिज का काम चालू था, उस वजह से एक एक साइड से ही उन लोग ट्रैफिक छोड़ रहे थे। और लीजिए दोस्तों, हम पहुँच गए अभी तिलकवाड़ा। ये जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है उसी से होते हुए आपको तिलकवाड़ा में एंटर करना होता है, और यहाँ से ये रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा जाता है वासुदेव कुटीर आश्रम की ओर। तो आपको कहीं भी लेफ्ट राइट मुड़ना नहीं है, और जैसे ये लाल कलर का गेट आता है तो यहाँ पर एक्चुअली तिलकवाड़ा पुलिस स्टेशन लिखा हुआ था। तो पहले तो हम कन्फ्यूज़ हो गए कि भाई हम कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं है, क्योंकि सामने तो पुलिस स्टेशन नज़र आ रहा था। लेकिन जब यहाँ पे पूछा एक भाई साहब को तो उन्होंने बोला कि नहीं, आगे ही आश्रम है,
और ये लीजिए हम पहुँच गए दोस्तों यहाँ के वासुदेव कुटीर आश्रम में। यहाँ पे अंदर तक पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, तो आपको यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये है दोस्तों वासुदेव कुटीर आश्रम, और यहाँ पे परिक्रमा वासियों के रहने की हमेशा व्यवस्था होती रहती है। और जैसे कि अभी उत्तर वाहिनी परिक्रमा का समय चल रहा है, तो अगर बहुत सारे परिक्रमावासी भी आ जाए तो उनके लिए यहाँ पे ये उन्होंने पूरा टेंट भी बना के रखा है। हमारे रहने की व्यवस्था यहाँ के मारुति धाम आश्रम में हो गई थी, और यहाँ पे रहने के लिए आपको पहले से कोई भी बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से परिक्रमावासी आते रहते हैं वैसे ही उनकी रहने की व्यवस्था होती रहती है। तो पहले भी मुझे भी ये डाउट था कि यहाँ पर कोई बुकिंग तो नहीं करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इस तरह से ये गद्दे डाले हुए ही होते, तो आपको कोई भी जो खाली गद्दा है वो लेके वहाँ पे अपना सामान रख देना होता है। साथ ही साथ यहाँ पर शिवजी का मंदिर भी है, जिनका नाम यहाँ पे रामेश्वर महादेव है, और उसी के बगल में एक मारुति मंदिर भी है। और इस मारुति की स्थापना यहाँ पे 16वीं सदी में समर्थ रामदास स्वामी ने की थी, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु भी थे। हमें यहाँ होने वाली संध्या आरती में शामिल होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आरती के पश्चात हम आ गए थे वासुदेव कुटीर आश्रम में। यहाँ पर हमें अपनी नर्मदा परिक्रमा का संकल्प लेना होता है, तो जैसे यहाँ पर भट जी आएंगे हम भी अपना संकल्प लेंगे। संकल्प लेकर जैसे ही हम बाहर आए तो रात्रि भोजन के लिए भी बुलावा आ गया था। यहाँ पर भक्तों को इस तरह से पंक्ति में बैठकर भोजन करना होता है, तो काफ़ी समय बाद इस तरह पंक्ति में बैठकर भोजन करके काफ़ी आनंद आ गया था। यहाँ पर जो भोजन है ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है, और इसे नर्मदा मैया का प्रसाद समझकर ही ग्रहण करना होता है। भोजन करने के पश्चात अपनी जो प्लेट होती है वो हमें खुद ही धोकर रखनी होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब समय हो चला था जल्दी से सो जाने का, क्योंकि सुबह हमें जल्दी उठकर परिक्रमा के लिए भी तो निकलना था। तो चलिए दोस्तों, कल आपसे मिलते हैं परिक्रमा के दिन नर्मदे हर। नर्मदे हर दोस्तों। तो अभी सुबह के 6 बजे है, हम 5:30 बजे उठ गए थे, और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से हमारी नर्मदा परिक्रमा के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी रास्ते में आपसे मिलते हैं, और यहाँ पर जो जो बीच में मंदिर आएंगे वहाँ पर भी आपको दर्शन करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नर्मदा मैया का नाम लेके शुरू करते हैं हमारी नर्मदा परिक्रमा। नर्मदे हर। परिक्रमा शुरू करने के लिए आपको पीछे की तरफ थोड़ा आना होता है, जहाँ पर ये एक शिव मंदिर है। यहाँ पर आपको इस तरह हर जगह पे नर्मदा परिक्रमा के बोर्ड नज़र आ जाएंगे। इस शिव मंदिर से होते हुए आपको अपने परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ना होता है। यह चंद्रेश्वर एवं नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है, और यहीं से आपकी परिक्रमा का शुभारंभ होता है। सुबह का समय था, तो अभी यहाँ पर वैसे तो अंधेरा था, और वहीं पे जब हम थोड़े आगे आए तो यहाँ पर तिलकेश्वर महादेव का मंदिर आता है, जिसके नाम से इस जगह का नाम तिलकवाड़ा पड़ा है। तो इनके भी दर्शन करना अनिवार्य है, तो आपको भी इनके दर्शन करके ही अपने पथ पर आगे बढ़ना है। परिक्रमा के दौरान आपके पथ में ऐसे कई सारे मंदिर एवं आश्रम आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे आपको हर एक के दर्शन करवाने की। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ में अंत तक बने रहिएगा, और उसी वजह से हो सकता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, और उसी लिए इस वीडियो को मैं 2 भाग में बना रहा हूँ। पहले भाग में हम आपको तिलकवाड़ा से रामपुरा तक लेके जाएंगे, जो कि 10 किलोमीटर है, और दूसरे वीडियो में हम आपको रामपुरा से वापस तिलकवाड़ा लेकर आएंगे, जो कि 11 किलोमीटर है। और वहीं दोस्तों, हम अभी आ गए हैं यहाँ के एक नर्मदा मंदिर में। नर्मदा मैया की परिक्रमा हो तो नर्मदा देवी के दर्शन के बिना कैसे शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमने नर्मदा मैया के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और अपनी परिक्रमा जारी रखी। तो वापस से हम आ गए थे अपने नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर, और अभी जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा उजाला होने लग गया था, और धीरे धीरे हम अपने पथ पर आगे बढ़ रहे थे। और थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ पर एक पुल आ जाता है, जिसे संगम ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पर नर्मदा की एक सहायक नदी आकर उससे मिलती है,
सुबह के समय यहाँ पर वातावरण काफ़ी शांत था और दूर कहीं पे बोट की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि सामने की तरफ ही नर्मदा नदी का घाट था। हम जैसे ही वहाँ से कुछ आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ भी पार्क की हुई थी, तो जो नज़दीक के लोग हैं वो यहाँ पर कार में आके अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देते हैं और यहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं। यहाँ पर परिक्रमावासियों के लिए चाय एवं नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी। सुबह बिना कुछ खाए पिए ही हम आश्रम से निकल गए थे, इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी चाय पी और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता भी किया। जो परिक्रमावासी सुबह रामपुरा से अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं उनके लिए यह तिलकवाड़ा उनका दूसरा चेक पॉइंट होता है, तो यहाँ पर भी सामने की तरफ से काफ़ी परिक्रमावासी ऊपर की तरफ आ रहे थे। तो अभी हम यहाँ के ये पहले चेक पॉइंट पे आ गए और इस तरह से मैं आपको मैप में हर चीज़ बताते जाऊँगा। तो अभी यहाँ पे एक चेक पॉइंट था जहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा चाय और नाश्ता किया है, और ऐसे काफ़ी सारे चेक पॉइंट्स यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा की जो रूट है उसमें आते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको शेयर करूँगा ताकि अगर आप भी ये नर्मदा परिक्रमा प्लान कर रहे हो तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिले और इसका जो भी इम्पोर्टेंस है, ये परिक्रमा क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न है, वो मैं आपको इस रास्ते में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपको भी अगर नर्मदा परिक्रमा करनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशंस करने हैं, कैसे आप कर सकते हो, कब कर सकते हो, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो चलिए हमारा सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ आगे और एक आश्रम आ गया है, यहाँ पर आपको रहने की खाने पीने की कोई भी असुविधा नहीं होगी, और असुविधा नहीं होगी मतलब यहाँ पे कोई खर्चा भी नहीं है, क्योंकि ये जो सारा है ये सब कुछ फ्री में होता है, भक्तों द्वारा भक्तों के लिए ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती है। और वहीं हम पहुँच गए थे यहाँ के मणि नागेश्वर मंदिर में, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्क की हुई है। और यहाँ पर भी दरअसल भक्तों के लिए भंडारा लगाया हुआ था, और दरअसल हमें कुछ खाना नहीं हो तो भी यहाँ पे इतने भाव से हमें मतलब ये विनंती करते कि कुछ थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए, आगे ही नहीं जाने देते। मतलब ऐसा भाव मैंने कहीं नहीं देखा है। शायद हमारे घर पे अगर कोई मेहमान आए तो हम भी शायद उन्हें इतना भाव से नहीं खिलाते होंगे, उतना भाव से ये लोग आपको यहाँ पर मतलब नाश्ता या जो भी है वो करवाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने सबके लिए प्रसाद में ये सुखड़ी रखी थी जो कि गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनती है, और साथ ही साथ यहाँ पे चाय था, दूध था और चिवड़ा था, और साथ ही में बॉयल चना था। तो बहुत कुछ नाश्ता यहाँ पे अलग अलग किस्म का मिलता है, आप खा के थक जाओगे, इतना नाश्ता आपको पूरे रूट में मिलेगा। तो इनके काफ़ी आग्रह पर हमने भी यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता ले लिया, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा चना ले लिया था, और हम तो एक ही प्लेट ले रहे थे, हालाँकि वो तो आग्रह कर लेते कि सब लोग लो, लेकिन कितना खाएंगे ना दोस्तों, तो उस वजह से हम भी एक ही प्लेट लेकर उसी में से सब लोग शेयर कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों साथ में दर्शन करते हैं श्री मणि नागेश्वर महादेव के, और ये जो पूरा संकुल है इसी में ये मंदिर स्थित है, आपको इस गेट से होते हुए अंदर जाना होता है। यहाँ पर भी परिक्रमावासियों की रात में ठहरने की व्यवस्था की जाती है, तो यदि किसी कारणवश आपको यहाँ पर भी आना है तो आप यहाँ पर रुक सकते हो। यह जो मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन है, स्कंद पुराण के रेवा खंड में भी इस जगह का उल्लेख किया गया है। तो चलिए मित्रों साथ में मिलकर दर्शन करते हैं इस प्राचीन शिवलिंग के, और सभी मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। दर्शन करके जैसे ही हम पीछे की तरफ आए तो मैंने देखा तो यहाँ पर और एक काउंटर लगा था। जब नज़दीक जाकर देखा तो यहाँ पर इन्होंने स्लश रखे हुए थे, तो पहले तो मुझे लगा कि ये बेचने के लिए है, लेकिन पता चला कि ये सभी परिक्रमावासियों के लिए फ्री सेवा है। यहाँ पर कई विभिन्न फ्लेवर के स्लश रखे गए थे, जैसे कि पाइनएप्पल, ऑरेंज, काला खट्टा, ब्लूबेरी, तो आपके बच्चों को तो यहाँ पर डेफिनेटली मज़ा आने वाला है।
और ये सब इसी वजह से है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसी एक्टिविटी की तरफ आकर्षित हो सके, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि आजकल के बच्चे ये सब चीज़ों के प्रति इतने एक्टिव नहीं होते, वो तुरंत ही बोर हो जाते हैं, तो उन्हीं को आकर्षित करने के लिए ये सब चीज़ों का रखना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो सनराइज़ हो चुका है दोस्तों और क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, अभी तो एकदम प्लेजेंट ठंडा क्लाइमेट है, मज़ा आ रही है चलने में। और अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अगर आपके साथ में आपके बच्चे भी आते हैं तो वो भी रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे और ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ ये किसी का भी कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री है यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए। तो चलिए परिक्रमा कंटिन्यू रखते हैं और जैसे ही कुछ नया नया आएगा आपको अपडेट देते जाऊंगा। यहाँ पर रास्ते में आपको काफ़ी सारे बनाना प्लांटेशंस भी देखने मिल जाएंगे, और वहाँ से जैसे ही हम कुछ आगे बढ़े तो हमने देखा तो नर्मदा परिक्रमा का जो एरो था वो एक कच्ची पगडंडी की तरफ इशारा कर रहा था। रास्ते में हमने देखा तो कई गांव के बच्चे भी यहाँ पर बैठे होते हैं, तो यदि आपको इनको कुछ देना ही है तो कुछ ऐसी चीज़ें दीजिएगा जो उनके काम आए, जैसे कि चॉकलेट है, पेंसिल, रबर इत्यादि, उन्हें पैसे मत दीजिएगा। वापस कुछ आगे बढ़ने पर फिर से पक्की सड़क आ गई थी और वहाँ पर इस तरह से और एक स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे परिक्रमा वासियों को तरबूज दिया जा रहा था, तो सुबह सुबह फ्रूट का नाश्ता भी हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आपको अपने पूरे रूट में कुछ ना कुछ अलग अलग वैरायटी खाने मिलते रहती है। वहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा तो वहाँ पर और एक काउंटर था जहाँ पर खमन ढोकला दे रहे थे, तो हम तो सब जगह पे सिर्फ एक ही प्लेट ले रहे थे क्योंकि सुबह सुबह अगर इतना खा लेंगे तो फिर चलने की ताकत नहीं रहेगी। जिस किसी का उपवास हो उनके लिए यहाँ पे फराल की आइटम भी रखी गई थी, तो यहाँ पे हर किसी का कुछ ना कुछ ख्याल रखा ही गया था दोस्तों। खेतों से होते हुए इस पथ पर आगे बढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, और वहीं पे वापस से एक साइन बोर्ड आ गया जिसमें हमें अंदर कच्चे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ना था, तो हम भी उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। दरअसल उसी रास्ते से अगर आप आगे जाओगे तो वहाँ पर विष्णुगिरी महाराज का आश्रम भी आ जाता है। इसी रास्ते पर जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने देखा तो यहाँ पर और एक आश्रम आ गया था जिसका नाम था मुनि आश्रम, और साथ ही साथ यहाँ पर कपिलेश्वर महादेव का मंदिर भी है। कपिलेश्वर महादेव के साथ में यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है, तो चलिए दोस्तों साथ में दर्शन करते हैं सभी देवी देवताओं के। नर्मदा नदी के तट पर आपको सबसे ज़्यादा महादेव के मंदिर ही देखने मिलेंगे। जैसे ही महादेव के दर्शन करके हम बाहर आए तो हमने देखा तो यहाँ पर सामने की तरफ श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता का मंदिर भी था। आज वैसे तो रामनवमी का पवित्र दिन था और साथ ही साथ यहाँ पे हमें राम जी के दर्शन भी हो गए, तो ये हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात थी। जैसे ही हम वहाँ से कुछ आगे बढ़े तो हमने देखा तो यहाँ पर भी यात्रियों के लिए भंडारा लगा हुआ था, यहाँ पर भी नाश्ता बनाया हुआ था और नाश्ते में यहाँ पे पोहा था। अभी ऐसे ही सब जगह पे खाते रहेंगे तो चलने में परेशानी होगी, तो इसीलिए हम यहाँ से आगे निकल गए। यहाँ पे यात्रियों के लिए वॉशरूम भी बने हुए थे। नर्मदा यार दोस्तों, तो जो हम सुबह निकले थे वहाँ से अब तक करीबन 5 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर कपिलेश्वर महादेव के मंदिर में। यहाँ से नर्मदा नदी का तट शुरू होता है, अब तक मोस्टली हम रोड पे या कच्चे रास्तों पे चले। तो अभी यहाँ से हमें इस तरह सीढ़ियों से नीचे उतरना होता है और यहाँ से सामने हमें नर्मदा नदी के दर्शन हो रहे हैं, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ से रेंगन तक बिल्कुल ऐसे ही रास्ता है और वहीं कुछ ही देर में हम आ गए नीचे
नर्मदा नदी के तट पर। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से आपको ये पूरा कच्चा रास्ता नज़र आ रहा होगा जो आगे तक जा रहा है। यहाँ पर नर्मदा मैया के तट पर बैठ के हमने थोड़ा समय व्यतीत किया और साथ ही साथ हमने यहाँ से एक ड्रोन भी फ्लाई कर लिया था ताकि आपको इस लोकेशन का पूरा ओवरव्यू मिल जाए। यहाँ पे हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी और एक बात काफ़ी अच्छी थी कि जो स्काई था ये क्लाउडी था, तो उस वजह से धूप इतनी लग नहीं रही थी, तो चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी और धीरे धीरे हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों अभी हम बैठ रहे हैं अपनी नर्मदा परिक्रमा की ओर और बिल्कुल जैसे कि आप देख सकते हो नर्मदा नदी के बगल में चल रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं आज हमारे साथ क्योंकि रामनवमी का दिन है। इस रूट पर भी आपको काफ़ी सारे स्टॉल मिल जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें एक स्टॉल दिखा जहाँ पे ये भाई साहब फाड़ा लापसी दे रहे थे। दरअसल ये जो लापसी होती है गेहूँ के दानों से बनती है, हम ज़्यादातर तो अवॉइड कर रहे थे लेकिन कई लोग इतना मतलब प्यार से बोलते तो हम मना नहीं कर पा रहे थे, तो वही हम बस थोड़ा सा प्रसाद लेके आगे की ओर बढ़ चले। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको इस परिक्रमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दूंगा, तो दरअसल जो नर्मदा परिक्रमा है इसकी शुरुआत ऋषि मार्कंडेय द्वारा की गई थी और इसकी जो परिक्रमा है ये पूरी नर्मदा की परिक्रमा की जाती है। 3200 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और इसे पूरा करने में करीबन 4 से 5 महीने लग जाते हैं, और जो लोग वो परिक्रमा नहीं कर पाते हैं उन्हीं के लिए ये उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा है जो आप 21 किलोमीटर की परिक्रमा करके पूरी कर सकते हो, और ये चैत्र मास के दौरान ही की जाती है जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ऐसा माना जाता है कि यह परिक्रमा करके भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना आपको वो बड़ी परिक्रमा करके मिलता है, तो अपनी परिक्रमा का आनंद उठाए और रास्ते में जहाँ भी मौका मिले थोड़ा सा आराम भी करते रहे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। और इस परिक्रमा को उत्तर वाहिनी परिक्रमा इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि रामपुरा से लेकर तिलकवाड़ा तक जो नर्मदा नदी का प्रवाह है वो उत्तर दिशा की तरफ होता है और उसी वजह से इसे काफ़ी पुण्यशाड़ी भी माना जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन यहाँ पर परिक्रमा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पे 5 दिन 11 दिन की परिक्रमा का संकल्प भी लेते हैं। अभी कुछ ही देर में हम रेंगन गांव पहुंचने वाले थे और इस बात का पता हमें इस बात से लगा कि हमारे कान में बोट की आवाज़ आने लग गई थी। वहां से जैसे ही हम कुछ आगे बढ़े तो हमारे सामने एक विशाल नंदी की प्रतिमा नजर आई और वहां पर एक बोर्ड भी मारा था जिस पे लिखा था सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ। हम जब इस प्रतिमा के और भी नज़दीक पहुंचे तो हमें पता चला कि ये प्रतिमा कितनी विशाल है और वहाँ पर एक बोर्ड भी मारा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि यह प्रतिमा 51,000 किलो पीतल यानी कि ब्रास से बनी हुई है। तो ये काफ़ी अद्भुत बात थी हमारे लिए कि इतनी बड़ी प्रतिमा इन्होंने यहाँ पे स्थापित की है, तो हमने भी यहाँ पे एक ड्रोन शॉट लेकर इसको आपके लिए कैप्चर करने की कोशिश की है। यहाँ पर इस परिसर में यात्रियों के बैठने की एवं विश्राम की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। यह जगह यात्रियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। हमने देखा यहाँ पे काफ़ी लोग तस्वीरें खिंचा रहे थे और हमें भी यहाँ पर फोटोग्राफी करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। दोस्तों नज़दीक जाकर देखने पर पता चला कि ये प्रतिमा कितनी विशाल है और वहीं पर
बगल में साइड में इसकी एक छोटी सी प्रतिकृति भी रखी हुई है। फोटोग्राफी करके जब हम उतर रहे थे तो हमारा ध्यान गया कि यहाँ पर एक अखंड हवन चल रहा है और आप भी इसमें बैठकर आहुति दे सकते हो, तो ये भी एक अच्छा आयोजन था। लेकिन फिलहाल हमें जाना था नर्मदा मैया में स्नान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्नान के लिए घाट बना हुआ है तो यह स्थान सबसे उपयुक्त है। नर्मदा परिक्रमा के दौरान आपको कम से कम एक बार तो नर्मदा मैया में स्नान अवश्य करना है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और उस हिसाब से आपके साथ में एक्स्ट्रा कपड़े एवं टॉवेल अपने साथ में रखिएगा। मैंने और मेरे बेटे ने भी यहाँ पे डुबकी लगाई और कुछ देर तक हमने यहाँ पे स्नान किया। नर्मदा परिक्रमा के दौरान आप एक खाली प्लास्टिक की बोतल अपने साथ में ज़रूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि आपको उसमें नर्मदा का जल भरना होता है और जहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की है वहाँ पर जो शिव मंदिर हो वहाँ पर आपको उस जल से अभिषेक करना होता है, तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। नर्मदे हर दोस्तों, तो अभी हम आ गए यहाँ पे रेंगन गांव में और यहाँ से अभी हम सामने की तरफ जाएंगे रामपुरा और फिर वहाँ से वापस 11 किलोमीटर चल के हम पहुँचेंगे तिलकवाड़ा। तो अब तक तो 10 किलोमीटर कहाँ ख़त्म हो गए पता नहीं चला, और जैसे कि आपने देखा हमने अभी स्नान भी कर लिया नर्मदा में। तो दोस्तों परिक्रमा का ये भाग हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से हम सामने बोट में बैठकर रामपुरा जाने वाले हैं और वहाँ का जो सफ़र है वो मैं इस वीडियो के दूसरे भाग में आपके लिए लाऊंगा, जो कि तुरंत ही इसके बाद ही आएगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पक्का यकीन है दोस्तों आपको इस परिक्रमा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो मिली गई होगी, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो हमारे चैनल पर देखने के लिए आपको अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी वीडियो के दूसरे भाग में। नर्मदे हर।